आए बहुत खुशी के दिन से जो हम सब जे उद्देश्य से बिना उनका सबके पुनः हमें के स्वागत कर छी हम धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर गुप्ता के लिए जो अनुरोध कर रहे बेटा अपन प्रस्ताव अपन अपन स्वार्थ के पूर्ति में लाग रहे हैं सच्चा मुद्दा है के सर्व देश को रूप में परिणत होने का हरे किसी को जिला कमेटी तथा पार्टी से संबंधित विभिन्न कमेटी सब आके निर्माण कर और हमें अच्छे लग गया कि त्राय मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के लागे अगर हकीम के लागे मधेश के एजेंडा के लागे ब्रिजेश चंद्र लाल और डॉक्टर विजय सिंह संघ के नेता भेटना बड़ी मुश्किल है तै लगा अब हमारा के बीच में जे केंद्रीय कार्य समिति के जे नाम प्रस्ताव करबे और वही नाम पर हमसे समर्थन हेतु तो कृपया ताली बजा के हम सब स्वागत कर दें हम नाम पर जा रहा छी पुनः श्री ब्रिजेश चंद्र लाल जी अध्यक्ष में डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी वरिष्ठ नेता साथी सबके किछ कह चाहबे खास कर नाम बाकी सदस्य अखन निर्माण भेल छै बाकी के आंतरिक अपन सफल करता आरंभ निर्माण सब हेतै तो सदस्य के नाम किछ के अहाँके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राखल गेल छै तै के लेल नाम ऊपर नीचा भ सके तै के लेल अपने सब अन्यथा नहि लेल जेतै से अपने सबसे आग्रह करै छी हम क्रमबद्ध अपने सबके केंद्रीय सदस्य के नाम कहि रहल छी सदस्य में अर्चना ठाकुर सदस्य में इंदु देवी सदस्य में इंजीनियर वीरेंद्र यादव सदस्य में ईश्वर पंडित सदस्य में उमेश कुमार मंडल सदस्य में गुरुशरण यादव सदस्य में गौरी शंकर सिंह सदस्य में जगन्नाथ चौधरी सदस्य में जयनंदन सोहनी सदस्य में जयनाथ नायक सदस्य में जयनाथ मंडल सदस्य में जहीर अहमद सदस्य में दिलीप कुमार पांडे सदस्य में धीरेन्द्र सिंह सदस्य में ध्रुव प्रसाद शाह सदस्य में नवरत्न मुराका सदस्य में नवीन कुमार सिंह सदस्य में नवीन सिंह सदस्य में निर्मला झा सदस्य में बिंदु ठाकुर सदस्य में बिपिन ठाकुर सदस्य में विमला शाह सदस्य में ब्रजकिशोर सिंह सदस्य में भागीरथ चंद सदस्य में भोलानाथ झा सदस्य में मदन सिंह सदस्य में महेंद्र यादव सदस्य में मुक्ति नारायण यादव सदस्य में मोहम्मद अस्कर अली सदस्य में योगेंद्र राय सदस्य में रजिया बेगम सदस्य में रमेश अधिकारी सदस्य में रविन्द्र वर्मा सदस्य में रविशंकर कुमार कर सदस्य में राजकिशोर मंडल सदस्य में राजेश सलाम विक्रोही सदस्य में राधिका देवी सदस्य में रामचंद्र शाह सदस्य में रामजी राय सदस्य में रामतुल्ला खान सदस्य में राम नगीना पासवान सदस्य में राम नारायण सिंह सदस्य में शरद कुमार मंडल सदस्य में शांति सिंह सदस्य में शैला देवी झा सदस्य में श्याम शाह सदस्य में श्यामा देवी दास सदस्य में सतीश लाल दास सदस्य में सरस्वती कर्ण सदस्य में सुनील कर्ण सदस्य में सुनील तिवारी सदस्य में सुहेल अहमद सदस्य में जमा 55 सदस्य अखन तत्काल केंद्रीय कार्य समिति बनल पार्टी की सोचे पार्टी कोना काज करत
पार्टी पुनः आगा बढ़त जर स्पष्ट झलक अपने सबके सामने में देवे। लेकिन हम एक बात कह एक बड़का प्रश्न चिन्ह जो किया खेल किया किया मधेश के पार्टी सबके हस्त्र में हमारा बहुत आदमी पूछे पहले जखन टीवी सब में जाए अंतर्वार्ता देव के लिए या मान लिया को पत्रकार सबसे भेंट हो या मान लिया को बौद्धिक व्यक्तित्व जब विश्लेषण करती तो वो एक प्रश्न पूछती कि मधेशवादी दल का कथिला बने कथिला टूटे कथिला जूते कथिला टूटे तहिया तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनल रहे फिर से तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना फिर से नहीं बन रहे हम जो पार्टी में रही ते पार्टी के तरफ से हमरा ओकरा डिफेंड करे पड़े तो हम ओकरा कही कि जे हम मधेश के पार्टी के तरफ किया देखे छे कथिला एक देश में राजनीतिक दल सब बने कथिला कांग्रेस बने कथिला टूटी कथिला नेकपा बने कथिला टूटी लेकिन आज हम अभी बात पर केंद्रित हो जो मधेश वास्तव में मधेश के दल सब भी बने एकजुट हो टूट जाए कमजोर भ जाए कथिला कमजोर भ जाए हमारा जहाँ तक बुझाइए कि देश के समस्या है लेकिन मधेश के बड़का समस्या है कि मधेश के आंदोलन एक बड़का आंदोलन जे आंदोलन आज तक जेहन आंदोलन है देश में नहीं भेल कोनो एहन आंदोलन नहीं है जनता के आंदोलन जे शांतिपूर्ण आंदोलन हो और उसमें सय सय आदमी से गोली मार दल जाए छाती में गोली मार दल जाए पेट में गोली मार दल जाए ओकरा फूट से दबा के गोली मार दल जाए तेहन दोसर कोनो आंदोलन नहीं बने। और एक बात यह हो जो मधेश के आंदोलन के एजेंडा आज तक नेपाल में दोसर कोनो आंदोलन नहीं उठावे सकले मधेश के आंदोलन के एजेंडा समानता के एजेंडा मधेश के आंदोलन के एजेंडा समावेशता के एजेंडा मधेश के आंदोलन के एजेंडा लोकतंत्र के एजेंडा मधेश के आंदोलन के एजेंडा अपन क्षेत्र में शासन करके खाली मधेशी के लिए मधेशी नहीं मर रहे अगर ये चीज स्थापित हो जाए तो हिमाल में भी समानता हिमाल में भी लोकतंत्र हिमाल में भी स्वशासन तहिना पहाड़ में भी स्वशासन तहिना पूरब में भी स्वशासन तहिना पश्चिम में भी स्वशासन तो नेपाल के बदल के नेपाल के वांछित रूपांतरण के मधेश के एजेंडा रहे लेकिन हमारा दुख पूर्वक कह पड़ेगा कथला बोले मधेश आंदोलन के हस्त्र तो मधेश आंदोलन के हस्त्र ई बोले जे एते बड़का आंदोलन के बोझा उठावे वाला नेता भी तो चाहिए अरे एजेंडा के उठाकर आगा बढ़े वाला नेतृत्व पंक्ति तो चाहिए मधेश के राजनीतिक दल के नेता सब में ई सामर्थ्य नहीं देख में आलन ई क्षमता नहीं देख में आलन अरे बात के आज हम स्वीकार करी छी हम यो स्वीकार करी छी जे हम जे हुनका सबके संगे जब एते दिन तक रहलहुँ और हुनका सबके जे रणनीति रहलन जे नीति रहलन तै में हम साथ दिलिए से हमर गलती छल हमर अपराध छल और ई बात के प्रायश्चित करू हम सब अरे एजेंडा के भोकर के प्रयास कर रहल छी और तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना आज उन्हीं के लिए आज सब देखे जावे कि मधेश के जनता आंदोलन करी छे मधेश के जनता कहे छे एकीकरण कर एक ठाव में आ एक टा बड़का पार्टी बनो कथिला कहे छे अइला नहीं कहे टा बड़का पार्टी बन जो आ जाकर ओहिठाम विकास होते के लेल नहीं अइला नहीं जे एक टा बड़का पार्टी बन जो आ तकर बाद सरकार में शामिल होबे के समीकरण में कहूँ ए बी सी में एक कतौ न कतौ रहबे तै दुआरे से नहीं मधेश के जनता चाहे छे जे हमर देश हमर मधेश में एक राजनीतिक दल हो
चढ़ावे, जो शहादत के खून के माथ पर चढ़ावे और देश में परिवर्तन करे, समानता स्थापित करे, समावेशता स्थापित करे और लोकतंत्र के स्थापित करे, तय के लिए एकीकरण कल। लेकिन हम सब देखलिए कि जखने एकीकरण भले एक प्राइवेट कंपनी खुल गए, राजपा में छोटा अध्यक्ष भ गए, अध्यक्ष मंडल बन गए, सातम आदमी के प्रवेश निषेध भ गए, उ छोटा में बंटवारा होबे लगले, वार्ड अध्यक्ष से लेकर संसद तक के बंटवारा होबे लगले, तोहर हिस्सा तोहर हिस्सा आ उ हिस्सा सब लीलाम में चढ़ गए, जैके कारण मधेश के जो नेतृत्व चाहिए से नेतृत्व प्राप्त नहीं होबे सकले और मधेश के हमरा सब बहुत विरोध कलिए, हम सब कोशिश कलिए अध्यक्ष मंडल के खारिज करू, एकटा नेतृत्व रहे, लोकतांत्रिक नेतृत्व आगा बढ़ाओ, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के दियो, छल फल से निर्णय करू, पार्टी के मजबूत करू, संगठन करू। लेकिन संगठन के नाम पर एयरपोर्ट पर पहले सब माला किन किन का, अब माला पर माला, माला पर माला, माला पर माला, जो आँखों ने देखा तेहन माला हमरा एते स्वागत भेल से देखा के हम बड़का नेता छी, अपने मसीहा घोषित करा, अपने आंदोलन के पिता घोषित करा, अपने आंदोलन के नेता घोषित करा, ऐसा अलावा दोसर कोनो कार्यकर्ता के आंदोलनकारी के महत्व देव, ओकर विचार के महत्व देव, से बात अहाँ देख में नहीं अल। तै आई हम सब बात कहल कि नहीं, हम सब माला पहिरे के चलन के यथासम्भव कम करू, माला पहिरे के बात नहीं है, संघर्ष के बात है, आंदोलन में कोई नम्हर नहीं, आंदोलन में कोई छोट नहीं, सब आंदोलनकारी बराबर, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कार्यकारिणी के सदस्य हो, अई भावना के हमरा सबको विकसित करके आगे बढ़े पड़े। आदरणीय साथी सब, हम अपने सबके दबात कहब, जहाँ डॉक्टर साहब कहले हम ओकरे फिर से दोहराब चाहे छी कि हमरा सबके पार्टी लोकतंत्र के प्रति पूरा प्रतिबद्ध रहत, लोकतंत्रवादी शक्ति सब एकजुट हो, वास्तविक लोकतंत्रवादी शक्ति सब जरा वास्तव में लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता है से शक्ति सब एकजुट हो, संघीयतावादी शक्ति सब एकजुट हो, लेकिन संघीयतावाद के नाम पर धोखावादी शक्ति सब एकजुट नहीं हो, कि जखन मधेश के एजेंडा आवे छे 30 दलीय गठबंधन रहे, जब मधेश के संविधान में संविधान सभा में संविधान पारित करे के बात अल तो राइते में सारा मधेश के एजेंडा संघीयतावादी पार्टी सब बड़का पार्टी अपना कह बड़का नेता अपना के कह जिनकर बात भिनसर में एकटा दिन में एकटा साँझ में एकटा हो बागमती में कुपंडोल के आ माइतीगढ़ के बीच में बागमती पुल है ते बागमती पुल में बागमती में भसा चलखिन मधेश के एजेंडा तो ओहन संहितावादी नहीं लेकिन वास्तविक संहितावादी जरा स्वशासन में विश्वास हो डॉक्टर साहब कहले हम एक एना कह जब संहिता माने कि अपन क्षेत्र में अपन शासन संघ में सबके मिलल जुलल शासन अगर क्षेत्रीय पार्टी नहीं होते क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं होते अगर क्षेत्र के आकांक्षा की है क्षेत्र के आवश्यकता की है क्षेत्र के समस्या की है क्षेत्र के विकास के आगे बढ़े क्षेत्र के विकास के रणनीति की होते से बात जब तक अहाँ पहचान नहीं कर सकबे क्षेत्र के भाषा के स्थिति की है क्षेत्र के संस्कृति के स्थिति के है से बात यदि अहाँ पहचान नहीं कर सकबे राजनीतिक शक्ति क्षेत्रीयता के आधार पर भी यदि अहाँ नहीं जन्माब सकबे तो क्षेत्रीय स्वशासन के कोनो अर्थ नहीं है आ जब क्षेत्रीय स्वशासन नहीं होते तो संघीयता के कोनो अर्थ नहीं ते दुआरे से हमरा सबके पार्टी क्षेत्रीय अवधारणा में चलत आई मधेश नाम से अपना के मधेश मधेश के मसीहा कह वाला सब आंदोलन के जनक कह वाला सब आई डरा रहा है वो तेसर विकल्प के बात करी
बड़का पार्टी के बात करी, लेकिन मधेश शब्द राखे के बात करब तो मधेश शब्द राखे तैयार नहीं। तर आई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी अरे बात के स्थापित कर और एक आगा बढ़ते क्षेत्रीयता से स्वच्छ क्षेत्रीयता कराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के एक महत्वपूर्ण आधार और आगामी दिन में नेता सब कथी कहे हैं जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में असंभव है एक नहीं लागू कर जा सके, विचार विमर्श के लागू नहीं कर जा सके। ते दुआरे पार्टी सब में आपके बैठक सब नहीं हो तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी आगामी दिन में संपूर्ण अपन निर्णय छलफल से बहस से संस्थागत रूप में आगा बढ़ात और जनता के एजेंडा के लिए कार्य कर। अखन हमारे प्रस्ताव पास हो बताओ जतर नागरिकता प्रमाण पत्र नेपाल के नागरिक के नहीं भेटते तो नागरिक अधिकार की स्थिति।